हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेल, प्रीवियस वीडियो में हमने एक ब्लॉगर पे एक यूआरएल डिफाइन किया एंड उस यूआरएल के बेस पे हमने एक ब्लॉगर का इंटरफेस, जो हमारा डैशबोर्ड था, बैकएंड था, उसको हमने देखा और उसकी सेटिंग्स को जस्ट चेक किया कि वो कैसे सेटिंग्स बिहेव करेंगी, ये कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी। ओके, इस वेबसाइट में हम कुछ पोस्ट को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पोस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, पोस्ट टाइटल लाइक डेमो पोस्ट वन। बेसिकली ये बहुत इजी एक इंटरफेस है। जैसे आप एक ईमेल को, या आप फॉर एग्जांपल एक वर्ड पे आप एक डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, वैसे ही आपका पूरा पोस्ट इस पे वर्क करेगा। ठीक है, ओके। मैं एक डेमो कंटेंट ले लेता हूँ। आपके पास कंटेंट होगा, मगर मैंने जैसे शो करना है तो मैं कहीं से कुछ, बस कुछ कंटेंट ले रहा हूँ सो दैट कि मैं इसको दिखा सकूँ। मल्टीपल पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा पोस्ट अच्छा दिखे। देन डेमो हेडिंग, ओके। यहाँ से मैं हेडिंग्स को बोल्ड कर सकता हूँ, हेडिंग में डिफाइन कर दिया। ओके, मीन्स कि आप देखिए यहाँ पे कुछ भी, आपको कोई कोड नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको किसी को बोल्ड करना है, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन। ठीक है, आप यहाँ पे लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चेमो लिंक, ओके। ये मैंने लिंक यहाँ पे देना है, ओके। डेमो लिंक, वेब एड्रेस क्या देना है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी वेबसाइट का दे देता हूँ। प्रदीप पटेल .com, ओके। देन ओके, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो लिंक आपने दिया है वो न्यू विंडो में ओपन हो, या आपकी वेबसाइट की जो विंडो प्रेज अभी करंटली ओपन होगी उस पे ही ओपन हो जाए। ठीक है, नो फॉलो होगा या डू फॉलो होगा। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो ये नो फॉलो एक एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएगा। मीन्स ये आपको मैं बाद में बता दूंगा कि नो फॉलो डू फॉलो क्या होता है। अभी जस्ट मैंने एक लिंक क्रिएट किया, ओके। देन यहाँ से आप इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इमेज सेक्शन, कि मेरे पास कोई इमेज है, ओके, एक इमेज है तो जैसे कोरोना वायरस की एक इमेज थी तो ओके फाइन, यहाँ पे इमेज मैंने एक एंटर कर दिया। ओके, देन यहाँ पे मेरे पास कंटेंट में मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, लिस्ट ले रहा हूँ, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। मीन्स कि आप देखिए, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतना इजी इंटरफेस है कि जैसे आप एक नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन पे एक कुछ टाइप करते हैं, उस वे से आप अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। ओके, आप इसमें एचटीएमएल के बेसिस पे भी चेंजेस कर सकते हैं। जो भी मैंने लिखा है वो ऑटोमेटिकली एचटीएमएल में चला गया है। इसकी अगर आप चाहते हैं कि आपको एचटीएमएल में, मतलब लाइक एंटर कुछ को लिखना है, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को कंपोज कर सकते हैं। ओके, जस्ट मैं नॉर्मल उसी इंटरफेस को मैंने लिया है। ओके, देन यहाँ पर मैं और दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड इटैलिक बना चुका हूँ, स्ट्राइक थ्रू। आप कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कितने, उसको मैं चेंज कर देता हूँ टू रेड। ओके, हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ओके, देन यहाँ पे क्लिप, मतलब वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो होंगे आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक
ठीक है, यहाँ से ब्रेक लगा सकते हैं, जंप ब्रेक इनेबल कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरा ये जो टेक्स्ट है इसका मैंने अलाइनमेंट चेंज करना है, लाइक सेंटर, ठीक है, लेफ्ट राइट या जस्टिफाइड, आपको जैसे भी यहाँ पे डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की है, नंबर्स या बुलेट्स जो भी आपको लेना चाहें, कोट्स कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग कोई हुआ है पहले से तो आप उस फॉर्मेटिंग को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो भी ये किए हैं तो उसको मैं जस्ट डिलीट कर दिया, मैंने जस्ट सिंपल क्लिक किया, जो भी इसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शन थी उसको बाय डिफॉल्ट उसने डिलीट कर दिया, तो मैं उसको अंडू कर देता हूँ एक स्टेप को। ओके, देन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं फॉन्ट, लाइक लैंग्वेज जो भी आप डिफाइन करना चाहें, अभी हिंदी है तो आप इसको लेके वो हिंदी का वो आ जाएगा। देखिए आपने जो भी टाइप किया मीन्स आप किसी लैंग्वेज पे यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस थी, ठीक है। किसी कंटेंट को टाइप करने का लेबल्स दीजिए जितने आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके बेसिकली कंटेंट को डिफाइन करता है, ये इतने से समझो कि टैग्स हैं ये, ठीक है, सो दैट कि ऑडियंस को आइडिया लग जाए वहाँ पे क्लिक करने के बाद। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कंटेंट बनाया है, या मेरे पास एक फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो जहाँ पे मैं अपने कंटेंट्स को वेजिटेरियन फूड या नॉन वेजिटेरियन फूड्स दोनों रेसिपीज़ दे रहा हूँ, मगर हमारी ऑडियंस लिमिटेड है, वो देखना चाहते सिर्फ वेजिटेरियन रेसिपी को। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लेबल दिया, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियन रेसिपी, जो भी मेरे पास वेजिटेबल रेसिपी मैं एंटर करूँगा यहाँ पे लेबल उसी को वही देता रहूँगा। तो एक लेबल सेक्शन पे जाके यूज़र जब वेजिटेबल रेसिपी पे क्लिक करेगा तो उसकी वेबसाइट पे सिर्फ वही कंटेंट दिखेंगे, लाइक उसके ब्राउज़र पे जो वेबसाइट सॉरी जो हमने वेजिटेबल रेसिपी पे डिफाइन किए होंगे। ओके, आप इस पोस्ट को लाइक जैसे यहाँ पे आप पब्लिश करेंगे तो उसी टाइम पब्लिश हो जाएगी, या आप इसको एक डेट भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप डेली कोई पोस्ट अपने यूज़र के साथ शेयर करें, मगर आपके पास शायद डेली टाइम ना मिले, आपके पास एक वीकेंड्स पे टाइम मिलता है किसी पोस्ट को लिखने के लिए, ठीक है, तो या कोई ऐसा कंटेंट जो आपके पास एक टाइम पे आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो चीज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि सैटरडे को मैंने 7 पोस्ट लिख दिए और डेली की एक पोस्ट पब्लिश की मैंने यहाँ पर डेट डाल दी, लाइक मैं चाहता हूँ कि यूज़र को डेली कुछ कंटेंट मिलता रहे मगर मेरे पास डेली टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल डे में 7 पोस्ट लिखकर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फॉर्मेट में मैंने उनको सेट कर दिया। तो जैसे वो टाइम फॉर्मेट मतलब टाइम वो डिफाइन होगा तो उस टाइम पे वो पोस्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश होती रहेगी, सो दैट कि 7 पोस्ट फॉर 7 डेज, तो डेली यूज़र को एक पोस्ट मिल जाएगी, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, मैं भी ऑटोमेटिक सेक्शन पे ही ले रहा हूँ। ओके, परमालिंक बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई पोस्ट लिखी, जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा तो मेरी ये लिंक होगा ओपन करने का, आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेमो पोस्ट 1 की जगह पे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ माय फर्स्ट पोस्ट। ओके, डन किया मैंने, तो मीन्स कि इस वे से अब मेरी पोस्ट रिफ्लेक्ट होगी वहाँ पे, ठीक है। ओके, लोकेशन आप अपनी पोस्ट, अभी लोकेशन मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिसेबल कर रखा था अपने कंप्यूटर सेटिंग्स में, इसलिए इसने रीड के लिए परमिशन मांग रहा है। ओके, मीन्स वहाँ से वो पिक कर लेगा लोकेशन एक्सेस, अदरवाइज यहाँ से आप लोकेशन सर्च करके भी दे सकते हैं कि ये पोस्ट आपने कहाँ से लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ ले रहा हूँ, देखिए चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ इंडिया, डन, मीन्स ये लोकेशन चंडीगढ़ ले रहा है। ऑप्शंस आप यहाँ पे कमेंट्स इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मैं पोस्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ ही होता है, मैं रिकमेंड करूँगा उसको अलाउ ही रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि अगर कुछ पोस्ट पे आप कमेंट्स डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से डोंट अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कंपोज मोड, ठीक है, अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, HTML या इंटरप्रेट टाइप HTML डिफाइन करेंगे तो वहाँ से वो दिखाता रहेगा साथ साथ में उसका प्रीव्यू भी। ओके, लाइन ब्रेक के लिए आप BR मतलब लाइक अगर बेसिकली क्या होता है कि जब हम एंटर करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जांपल इंटरप्रेट में देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे गया
ये देखिए हमने ये जो बियर टैग लिए हैं, बियर टैग बेसिकली एक न्यू लाइन के लिए होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मैं एंटर प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिकली वो लाइन ब्रेक को क्रिएट कर दे, ठीक है। या आप बियर टैग आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे बियर टैग आएगा तो वो उसको एज ए लाइन ब्रेक लेके चलेगा। मगर हम बेसिकली हम अपने कंपोज एडिशन पे जा रहे हैं तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही अब सेटिंग के साथ ओके हैं, आप जैसे एक सिंपल पब्लिश कीजिए, ठीक है। वैसे आप वहाँ पे प्रीव्यू की ऑप्शन भी थी, आप प्रीव्यू कर लेते तो वहाँ से डायरेक्ट प्रीव्यू भी मिल जाता, मगर इट्स ओके, मैंने पहले सेव करके पब्लिश कर दिया था इसको। ओके मीन्स ये मेरा एक डेमो कंटेंट यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, मीन्स मेरी वेबसाइट ऑनलाइन कंटेंट pradeep.blogspot.com, ठीक है। मैंने इसका कस्टम यूआरएल चेंज किया था, माय फर्स्ट पोस्ट, और यहाँ पे हमने जो भी चेंजेस किए थे, ठीक है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। ओके देखिए बहुत इजी है ये, ठीक है। सेम आप नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा, मतलब लाइक जितनी अच्छी पोस्ट, जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाता रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ व्यूज़ दिखा देगा, ठीक है। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पेजेस पे वर्क करेंगे।